अस्सलाम गाइस, क्या हाल चाल है? कुमार और आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर का धमाल। तो गाइस ये व्लॉग बहुत ही फजूल अननोन व्लॉग होने वाला है, रेंडम व्लॉग होने वाला है। मुझे नहीं पता क्या चमली मारनी है इस व्लॉग में, देखते हैं आप क्या करना है। अभी तो हमारा टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, पूरे 6 बज रहे हैं, तो अभी हमारा टाइम है खेलने का, बैडमिंटन खेलते हैं हम इस टाइम। लेट्स प्ले और दोस्तों को बुलाते हैं। तो गाइस जैसा कि मौसम आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी धूप है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा मौसम है। ये हमारी गाड़ी नहीं है, ये पता नहीं किस चावल की गाड़ी है, और ये हमारी प्यारी अच्छी गाड़ी है। और मैं बुलाना चाहता था अपने दोस्त को, वो खुद ही आ गया। हेलो, ठीक? वालेकुम सलाम। तो गाइस ये देखे हमारा यहाँ एक छोटा सा दोस्त है, सीधा सा। नहीं यार, ये मेरा हमेशा करते मजाक उड़ाते हैं, आप इसको टैग करो। अच्छा, तो गाइस अभी हम अपने हैदर वाले दोस्त को बुलाएंगे जो मालमतान हमारे साथ आया था। हाँ, मैं उसे हैदर वाला दोस्त कहता हूँ। और ये देखे, ये आज इसने अंडे फोड़े हैं। मैंने नहीं फोड़े, किसी और ने फोड़े हैं। किस कोई गिर गया होगा, उसके अंडे फूट गए होंगे। समझ रहे हो आप? गाइस अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ठोक दे और सब्सक्राइब पे थूक मार के उसे ग्रे बना दे, और बेल आइकन साथ आपको दिख रहा होगा उस पर चंड मार के उसे आल पे कदम कर दे। और अभी हम अपने दोस्त को बुलाते हैं और उसकी पहली खराब है, मैं भूल गया। तो गाइस हैदर तो नहीं आ पाया क्योंकि उसकी कमर में कल शदीद दर्द हो रहा था। हम कल स्विंग लेने गए थे, साइकिल चलाते हुए स्विंग लेने गए थे पार्क में, तो लेकिन उसके अब कमर में दर्द हो रहा है, तो शायद 7 बजे आ सकता है। तो हम उतनी देर अपने दूसरे दोस्त से मिलते हैं जो दुकान चलाता है। गाइस हमें ये वाला भी दोस्त नहीं मिल सका क्योंकि ये यहाँ दुकान पे इतने सारे लोग थे, मैं उसके सामने व्लॉग नहीं कर सका था। तो अभी हम जा रहे हैं मालूम दुकान जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मास्क के बगैर जाने नहीं देते लोग, तो हम जाने की कोशिश करेंगे, अंदर बढ़ जाएंगे। तो गाइस हम अभी चवली मारने आए हैं, कुछ करना तो है। मैंने आपको पहले कहा था ये व्लॉग बहुत रैंडम होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता इसमें क्या करना है, लेकिन एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो आपको टाइटल और थंबनेल से मिल जाएगा। तो गाइस अभी हम मेन रोड पे आ गए हैं। क्या कहते हैं, अभी हम फ्याज मार चढ़ते हैं फ्याज मार चलते हैं। चलो तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर मालूम मुल्तान, यहाँ पर फ्याज मार्ट, यहाँ पर गंदी शक्ल, मेरे यामा है, ये मेरा पूरा शोरूम है, मैं जब मर्जी चाहूँ बाइक ले सकता हूँ। ये मेरी दुकान है, आप आ सकते हैं, फ्री में सामान दूंगा। गाइस हम शॉपिंग करने आए हैं, मुझे खुद नहीं पता क्या ले जाए। हाँ ये मैंने कहा था, पता मुझे ये बड़े अच्छा अल्लाह देखिए हो गया। बेबी पाउडर तेरे लिए काम आएगा क्योंकि तो छोटा है। गाइस हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, आपको नहीं दिखेगी, हमने लेकिन उनको बहुत तंग करके लिया, तंग करके लिया, जलील करके लिया, हवारी करके लिया। अभी हम जा रहे हैं नादरा ऑफिस। गाइस ये आप देख सकते हैं अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारी दुकान है, और ये नादरा का ऑफिस भी, ये नादरा का ऑफिस भी हमारा ही है। गाइस ये सारे दुकानें जो आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट, ये नूर जहाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड का ना, ये गर्लफ्रेंड, पागल है तू, ये नूर जहाँ मार क्यों, ये हमारा, ये मेरी गर्लफ्रेंड का नाम, नहीं नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। और ये हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। गाइस ये मेरे प्यो का स्कूल है, ये क्या है, ये यहाँ पे पार्किंग साइड है। हाँ ये पार्किंग साइड है और वहाँ पे फिल्टर है, अभी आपको दिखा आगे है ना? फिल्टर है जहाँ से हाँ, पूरे मुल्तान में पानी भरता है। मुझे पता है ये हमारे प्यो दा है। ये देखे, ये स्कूल पूरा बहुत बड़ा स्कूल, ये हमारे प्यो दा है। एंड शाउट आउट टू डक्की भाई जो मेरा प्यो है प्यो है और मैं उनका बेटा हुआ। यहाँ पर पानी भरा जाता है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो गाइस हमने आराम से पानी पी लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे प्यो की जगह है,
ये सारा मेरे प्योर की सड़क है जिसका नाम है डक्की भाई। मेरा एक भाई है जिसका नाम है मुनीब। और गाइस हम गली में वापस आ गए हैं और अभी हम हमारा बैडमिंटन खेलने का मूड हो रहा है तो अभी हम नेट सेट बैडमिंटन सेट कर। तो गाइस अभी हम बैडमिंटन खेलने लगे हैं आवारा गद्दी करने के बाद और अभी ये देख सकते हैं बैडमिंटन खेल रहे हैं मेरे दोस्त। हम थोड़ा सा टाइम लैप्स लेते हैं बैडमिंटन। आप देख सकते हैं हम बहुत अमीर बंदे हैं, हमारे पास इतनी आलीशान साइकिल है वो भी 50,000 रुपये की, वो भी इंडिया से इंपोर्ट हुई है। और यहाँ ये देख सकते हैं इसमें गियर भी लगे हैं और बहुत हैवी किस्म की सीट, ये आप ना देखें, और बहुत अच्छे पेडल्स हैं। तो गाइस अभी हमारा इरादा हो रहा है साइकिल चलाने का, दोस्त के साथ मैं जाऊंगा साइकिल चलाने और दूसरा जो दोस्त है अहमद उसके सर आ गए हैं, उसके ट्यूटर आते हैं घर पढ़ाने, तो अभी हम साइकिल चलाने जाएंगे। और देख सकते हैं आप मगरिब हो चुकी है, ये देखें अभी अब नमाज पढ़ के नमाज पढ़ ली गया और अब हम चलते हैं। गाइस आप कमेंट करके बताना कि मेरी साइकिल कैसी है। देखिए ये बहुत आला है, तो बहुत आला है, और मैं आप कमेंट में बताना कि कैसी है और इसकी प्राइस भी पूछना, मैं तब आपको। डेली व्लॉगर की यार बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गाइस हम थक गए थे तो ये ऐसे पकड़ लो, अगर आप भी थक जाओ ना ऐसा के चलाते हुए ऐसे पकड़ लो। तो गाइस अपने इस सोसाइटी में जाना है, तो गाइस लाइट गई हुई है और अंधेरा कितना यार देख। गाइस अभी पार्क में एंटर हो चुके हैं और मेरे साथ ये दोस्त है और अभी आपको पार्क दिख ही रहा होगा क्योंकि लाइट गई हुई है, बस कुछ दिख रहे होंगे। और अभी स्विंग पे कब्जा हुआ है, हमने बैठा था उस पर, बहुत भीड़। तो गाइस अभी हम यहाँ पे बैठते हैं बिल्कुल दरख्तों के नीचे से, नीचे बैठना है, डेयर है। अब मेरा डेयर है 5 मिनट तक बैठना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल दरख्त है, कोई शूटिंग नहीं कर रहा। ये देखें मैं बेंच पे बैठा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मजाक नहीं करता मैं। और साथ में मस्जिद है, जैसा कि आप देख, आपको नज़र नहीं आई होगी लेकिन मस्जिद है साथ, छोटी सी मस्जिद है ताकि नमाजी लोग पढ़ सके नमाज, और मुझे बहुत डर लग रहा है। हैदर चलो गाइस अभी हम चलते हैं, मेरे मैं 5 मिनट भी नहीं बैठे पहला चलो चलते हैं। मैं बिल्कुल पार्क के बीच में हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल पार्क के बीच में हूँ और मुझे नहीं पता मेरा दोस्त किधर है, इधर ही है इधर, और मेरे पार्क के बीच में कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं बहुत डर लग रहा है, हैदर नहीं मिल रहा, मुझे और मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो गाइस लाइट आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे पार्क में लाइट है, अब हम आराम से टाइम लैप्स ले सकते हैं। तो गाइस अभी हम बेंच पे आके बैठे हैं, थोड़ा थक गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इतनी वॉक किया है, 1 घंटा पूरा वॉक किया है और अभी हमारे पसीने हो गए हैं और लाइट भी आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप लाइट आ चुकी है और मुझे अभी भी उस दरख्त से डर लग रहा है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सिर्फ सोसाइटी है छोटी सी, और ये पूरा पार्क है सोसाइटी का जहाँ पर हर फैमिली बच्चे वगैरह हर जा सकते हैं, वो देख सकते हैं हर जगह 24 घंटे पीछे आगे पीछे घर ही हैं, हर जगह। तो आज के लिए इतना ही, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन।
सब्सक्राइब पे थूक मार के उसे ग्रे बना दे और लाइक को पंच मार के उसे ब्लू बना दे, तो और बेल आइकन दिख रहा है ना उसको मुक्का मार के ऑन ऑल पे कर दे। तो तब तक लिए बाय। पहले मैं एक छोटे से लकीर था, फकीर था और एक गरीब था, मेरी ना कोई तब्दील थी बस गरीबी थी और बाकी पास हुई थी, लेकिन मैं भी लफ से अमीर था, लेकिन मेरे रब का शुक्र था।